हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी टाइम हो रहा है 5 बजे, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आज बहुत तेज़ बारिश है। अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है और मेरी जल्दी उठने का रीज़न, मैं कभी जल्दी नहीं उठती हूँ बट आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज हमारी आने वाली थी ईट की गाड़ी, बट हुआ क्या कि हमने अभी उनको कॉल किया और उन्होंने बोला कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई है, तो अब 3-4 घंटे लगेंगे आने में क्योंकि लाल कुआं में गाड़ी ख़राब हो गई है। तो अभी वो बोल रहे हैं कि 3-4 घंटे लगेंगे, तो मैंने सोचा कि अब सोने से बेटर है कि कुछ पढ़ लिया जाए। तो अब मैं पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फाइनली ईट का ट्रक आ गया है और टर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो भी सॉल्व हो गया है। अब अंदर एंटर कर लिया है ट्रक ने, और जब ये ट्रक एंटर कर रहा था तो ये रोड जो है वो नीचे दब गई है, धस गई है। जो डामर था वो ऊपर को उखड़ जैसा गया है, तो अब क्योंकि अभी नई नई गली बनी हुई है तो इस वजह से अब ईंट उतारेंगे लेबर्स। तो अब मैं तब तक नाश्ता बनाती हूँ। अभी भी बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तो जो लेबर्स हैं उन्होंने ईंट सारी उतार दी हैं। अब उनको हम लोगों ने बोला है कि थोड़ी देर वेट कर लो, मैं चाय बना रही हूँ, उसके बाद उनको चाय पिला के फिर उनको भेज देंगे। बस मेरी चाय भी उबल ही गई है। आज बारिश बहुत ज़्यादा है तो इस चक्कर से हमारे जो लेबर लोग थे आज वो भी नहीं आए और आज काम भी नहीं हुआ। तो ऐसा है कि अब आज सैटरडे भी है और जो हमारा ठेकेदार, उसने बोला था सरिया वगैरह आ जानी चाहिए आज, तो ना सरिया आया। सैटरडे है तो सैटरडे को लोहा खरीदते नहीं है, तो इसलिए सरिया भी नहीं आई और सीमेंट भी नहीं आया और बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे में लेबर लोग काम भी कैसे करते ना, तो इसलिए आज उनका ऑफ था। अब वो लोग कल से आएंगे। तेज़ बारिश हो रही है आज हल्द्वानी में, तो मैं आज आपको हल्द्वानी का व्यू दिखाती हूँ। हमारा खाना हो चुका है रेडी और ये है चावल और दाल। दाल जो है वो है बड़ी की दाल बनी है, और यहाँ पे कड़ी है और कद्दू की सब्जी है। कड़ी हम पहाड़ियों की फेवरेट चीज़ है और बहुत फेमस चीज़ है, हम कड़ी बहुत अच्छी लगती है, जिसे हम पहाड़ी में झोली बोलते हैं। हम लोगों का खाना रेडी हो चुका है और मम्मी ने मेरे लिए खाना डाल दिया है। ये है मेरा खाना। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:39 और भैया ने मुझे अभी बोला कि उनको भूख लगी है और उनको नूडल्स खाने हैं। कुकिंग मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना, तो मैंने सोचा कि चलो बना ही देते हैं भैया के लिए नूडल्स। तो मैं नूडल्स बनाने के लिए जा रही हूँ और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मेरे नूडल्स आपको कैसे लगे। ओके, और मैं जा रही हूँ किचन पे और मुझे जब मैं नूडल्स बना दूँगी उसके बाद एक प्लेट स्पेशली मैं आपके लिए बनाऊँगी, जिसे मैं शॉर्ट्स में डालूँगी, उसे भी आप देख लेना। और जो मैं शॉर्ट्स में डालूँगी वो आपके लिए, और जो मैं नॉर्मली वीडियो में डालूँगी वो मेरी फैमिली के लिए। ओके,
देखो मेरी रेसिपी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अभी टाइम हो है 5:15 और अभी मेरी चाय का टाइम हो रहा है क्योंकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपने लिए चाय बना लिया और मैं आपको चाय का भी वीडियो आपको शेयर करूँगी क्योंकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मॉर्निंग में चाय पीती हूँ, मैं फिर जितने टाइम मेरे घर पर चाय बनती है उतने टाइम मैं भी चाय पी लेती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। बारिश हो रही, कहाँ जा रही हो? घुमा मैं नहीं जा रही हूँ, नानी अपना लाती है तू। हाँ बारिश भी हो रही है। इधर ऐसा गीला हो रहा, गिर जाएगी इधर। आपने वीडियो देख ली मम्मी पापा की शादी की? हाँ। मम्मी किसे डांस कर रही थी? इधर पे आके करके दिखाओ, वहां पे तो ऐसे ऐसे कर रही थी। और पापा किसे कर रहे थे? पापा किसे डांस कर रहे थे ना? बड़ी मम्मा, बहुत ही टाइम हो रहा है 8:30 और आज हमारे घर पे बहुत अच्छा खाना बना है, कद्दू की सब्जी और मंडुए की रोटी। तो मैं आपको कद्दू की सब्जी और मंडुए की रोटी दिखाती हूँ। मंडुआ हमारे पहाड़ में बहुत मतलब होता है, बहुत अच्छे से होता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो आज मम्मी ने मंडुए की रोटी बनाई है और कद्दू भी हमारे पहाड़ का है, वो भी बहुत टेस्टी होता है। मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है तो आज हम सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज मंडुए की रोटी बनी है। तो मैं आपको मंडुए की रोटी और कद्दू की सब्जी दिखाती हूँ अभी। ये है मंडुए की रोटी और ये है कद्दू मट्ठा वाला और प्लेन, बहुत अच्छा होता है। हम सब ने खाना खा लिया था तो मम्मी हम सब के लिए खाना बना रही थी और हम लोगों ने खाना खा लिया और मम्मी सबसे लास्ट में खा रही है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कल से मैं मम्मी के साथ खाऊंगी, ठीक है मम्मी? मुझे पहले खाना मत देना, साथ में खाएंगे आप और मैं। मुझे तो पहले खाना, क्यों? सब लोग खिला लिए, मैं लोग ना खा लिया। अच्छा चलो ठीक है, कल से मैं बनाऊंगी रात का खाना। खाली बोल रही हूँ, सच में नहीं बनाऊंगी, मेरे से इतनी बार नहीं बनता। मस्त खाना पीना हो गया था हमारा। मैंने वीडियो एडिटिंग भी कर ली है, अभी टाइम हो रहा है 11:17 और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कॉमेंट करना मत भूलना कि मेरी रेसिपी कैसी बनी थी। ओके बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।